कौन है, क्या औकात क्या तेरा? कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? दोस्तों आज हम बात करेंगे वन ऑफ माय फेवरेट मूवी गली बॉय के बारे में। ये फिल्म 2019 में आई म्यूजिकल ड्रामा फिल्म है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था जोया अख्तर ने और प्रोड्यूस किया था रितेश सिद्वानी, फरहान और जोया अख्तर ने। इस फिल्म के कहानी मुंबई के धारावी चाल में रहने वाले मुराद के संघर्ष भरी जिंदगी और उसके रैपर बनने की है। यह पहली ऐसी मेनस्ट्रीम बॉलीवुड मूवी है जिसमें हिप हॉप कल्चर शोकेस किया गया है। तो आइए जानते हैं इस फिल्म के बनने की पूरी कहानी और कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। जोया अख्तर ने इससे पहले बहुत सारी फिल्में जैसे लक बाय चांस, जिंदगी ना मिलने की दोबारा, बॉम्बे टॉकीज, दिल धड़कने जो जैसी फिल्में डायरेक्ट कर चुकी है। इस फिल्म में हमें रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, विजय राज, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, कल्कि कुछी जैसे कलाकार देखने मिलते हैं। जोया अख्तर अपने दिल धड़कने तो फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान म्यूजिक का ट्रैक आफत चुना था और उसके लिरिक्स और रैपिंग स्टाइल से वो बहुत इम्प्रेस हुई थी। जोया ने उनसे मिलने का मन बना लिया और उनसे मिलने के बाद और उनकी लाइफ स्टोरी सुनकर उनको फिल्म बनाने का आइडिया आया था और नेजी से मिलने के बाद वो रैपर डिवाइन से भी मिली थी और इन दोनों की लाइफ स्टोरी सुनने के बाद उन्होंने गली बॉय फिल्म बनाने का मन बना लिया। जोया ने कहा कि फिल्म गली बॉय की स्टोरी नेजी या डिवाइन की इंडिविजुअल बायोपिक नहीं है बल्कि उनके लाइफ के इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है जिससे हमें फिल्म का रूप दे दिया है और ये उन्होंने गली बॉय के प्रमोशन के टाइम कंफर्म किया है। और वो आगे कहती है, इस फिल्म को ऑथेंटिक बनाने के लिए नेजी और डिवाइन ने उनके साथ इस प्रोजेक्ट पे काम भी किया है। आपको बता दें कि नेजी का असली नाम नावेद शेख है। वो मुंबई के कुर्ला में स्थित राम बच्चन चौल से बिलोंग करते हैं। उन्हें अपने रैप सॉन्ग राफत से बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। और डिवाइन के बारे में बताएं तो इनका रियल नाम फिवेन फर्नांडिस है। वो मुंबई के अंधेरी ईस्ट में स्थित जेबी नगर से बिलोंग करते हैं। इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह जोया अख्तर की पहली चॉइस थी लेकिन उनको फाइनलाइज करने से पहले उन्हें अपना वॉइस ऑडिशन देना पड़ा था। जोया अख्तर चाहती थी कि फिल्म के लीड एक्टर को एक्चुअल में रैप करना आना चाहिए क्योंकि उसी की वॉइस को फिल्म में यूज किया जाएगा। तो रणवीर सिंह ने डिवाइन से हेल्प ली और मेरी गली में गाने को प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। फिर ऑडिशन में कई रैप सॉन्ग गाने के बाद जोया अख्तर ने रणवीर सिंह को फाइनल कर दिया। रणवीर सिंह ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनको रैप कल्चर में बहुत इंटरेस्ट रहा है और अगर ये रोल किसी और को चला जाता तो मुझे अपने लिए बहुत बुरा लगता। फिल्म में हमें आलिया भट्ट सकीना के रोल में नजर आई है। ये उनकी और रणवीर सिंह की पहली फिल्म है जिसमें उन्होंने एक साथ काम किया है। हालांकि वो इससे पहले टेलीविजन एडवर्टाइज में एक साथ काम कर चुके थे। ये आलिया भट्ट की फर्स्ट कोलैबोरेशन मूवी थी जोया अख्तर के साथ। वही रणवीर सिंह गली बॉय से पहले दिल धड़कने दो फिल्म में जोया अख्तर के साथ काम कर चुके थे और जोया अख्तर की पहली ऐसी फिल्म है जिसमें उनके भाई फरहान अख्तर ने कोई रोल नहीं प्ले किया है। इस फिल्म में हमें सिद्धार्थ चतुर्वेदी एमसी शेर के कैरेक्टर में नजर आते हैं। इस फिल्म में उनके कैरेक्टर को लोगों ने बहुत पसंद किया है। इससे पहले उन्होंने दो वेब सीरीज लाइव सही है और इनसाइड एज में इम्पोर्टेंट रोल्स प्ले किए हैं। इनसाइड एज वेब सीरीज को जोया अख्तर के भाई फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है। सिद्धांत चतुर्वेदी अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो अपनी इनसाइड एज की सक्सेस पार्टी में डांस कर रहे थे और तब जोया अख्तर ने उन्हें स्पॉट किया और ऑडिशन के लिए बुलाया। इस फिल्म में हालांकि उन्होंने कोई रैप नहीं किया है लेकिन ऑडिशन के लिए उन्होंने रैप लिखा और परफॉर्म भी किया था। इस फिल्म का फेमस ट्रैक असली हिप हॉप के पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्चुअली जब रणवीर सिंह ने 2017 में जैक एंड जॉन ब्रांड के लिए डोंट होल्ड बैक ट्रैक रिकॉर्ड किया था उसी दौरान उनकी मुलाकात स्पिरिट फायर कामदारी से हुई थी जो इस सॉन्ग में रणवीर सिंह के साथ फीचर भी हुए हैं। रणवीर सिंह को उनके लिरिक्स और स्टाइल ऑफ रैपिंग बहुत पसंद आया था। फिर एक साल बाद जब गली बॉय का म्यूजिक रिकॉर्ड किया जाने वाला था तो रणवीर ने ही स्पिरिट फायर और कामदारी को फिल्म के एल्बम में फीचर होने के लिए रिकमेंड किया था जिसके बाद स्पिरिट फायर ने असली हिप हॉप गाने के लिरिक्स लिखे और ये ट्रैक फिल्म में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ट्रैक में से एक है जिसकी वजह से फिल्म का पहला टीजर भी वायरल हुआ था। इस फिल्म का सॉन्ग अपना टाइम आएगा के लिरिक्स डिवाइन और जावेद अख्तर ने एक साथ लिखे हैं। लिरिक्स में ज्यादातर कंट्रीब्यूशन तो डिवाइन का ही है पर जावेद अख्तर ने इस लिरिक्स में एक क्रूशियल इनपुट दिया था जिससे गाने का पूरा मीनिंग ही चेंज हो गया। एक्चुअली हुआ यूं कि डिवाइन ने जब गाने के लिरिक्स लिखे थे तो गाने की मेन पंचलाइन सबका टाइम आएगा रखी गई
पर जब जावेद अख्तर ने इसके लिरिक्स पढ़े तो उन्होंने डिवाइन को कहा कि तुम सबका टाइम आएगा के बजाय अपना टाइम आएगा लिख सकते हो, तो फिर हर कोई इस गाने से पर्सनली कनेक्ट कर पाएगा, क्योंकि सबका टाइम आएगा शायद उतना इंडिविजुअल लेवल पर लोगों को इम्पैक्ट नहीं कर पाएगा। तो फिर इस गाने का टाइटल अपना टाइम आएगा रखा गया और इस गाने को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म में रणवीर सिंह के पिता का रोल विजय राज ने निभाया है। ये उनके रणवीर सिंह के साथ पहली फिल्म है। विजय राज को हम रन फिल्म की कॉमेडी के लिए जानते हैं। उन्होंने अपना डेब्यू 1999 में भोपाल एक्सप्रेस से किया था। इस फिल्म में मुराद यानी रणवीर सिंह की माँ का रोल एक्ट्रेस अमृता सुभाष ने निभाया है। वो मराठी सिनेमा के जानी माने एक्टर हैं। एक्चुअल में रियल लाइफ में अमृता सुभाष रणवीर सिंह से सिर्फ 7 साल बड़ी है। इस फिल्म में मुराद की दादी का रोल एक्ट्रेस ज्योति सुभाष ने निभाया है। वो एक्टर अमृता सुभाष की माँ है। इस फिल्म में उन्होंने सास और बहू का रोल प्ले किया है। इस फिल्म को बहुत ही रॉ तरीके से शूट किया गया है, क्योंकि मेकर्स नहीं चाहते थे कि एक स्लम में रहने वाला कैरेक्टर की कहानी वो आर्टिफिशियल सेट्स पे दिखाए। इसीलिए फिल्म को एस्थेटिकली भी शूट स्लम्स में और उन एरिया में किया गया है जो मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। इस फिल्म का एक सीन जहां मुराद और सकीना अपने कॉलेज में रैप सेशन सुनते हैं, ये सीन बाय के विनायक गणेश वेस कॉलेज में शूट किया गया है। इस फिल्म में बहुत सारे रणवीर और आरला के सीन एक ब्रिज पर दिखाए गए हैं। ये सीन धारावी के डंप यार्ड के पास रेलवे लाइन स्लम्स में शूट किया गया है। इस फिल्म का एक सीन जहाँ सफीना अल्बिना को मारने के लिए जाती है क्योंकि उसने मुराद को SMS किया रहता है, ये सीन कैफे 12 ए पेरिस कैफे में शूट किया गया है। ये कैफे 100 ईयर्स पुराना है। इस फिल्म का ट्रेन सॉन्ग्स के सभी सीन्स मुंबई के कुर्ला स्टेशन पे शूट किया गया है। इस फिल्म का एक सीन जहाँ रणवीर चल रहे है, ये सीन धारावी धोबी घाट फुट ओवर ब्रिज पे शूट किया गया है। इस फिल्म के लिए रणबीर और आलिया ने 25 दिन धारावी में शूटिंग की थी। इस फिल्म में टोटल 18 गाने हैं। इस फिल्म का साउंडट्रैक एल्बम हिप हॉप आर्टिस्ट ने ही कंपोज किया है रादर देन अ ट्रेडिशनल बॉलीवुड कंपोजर। इस फिल्म में रणवीर सिंह ने पहली बार रैप सॉन्ग गाया है। इस फिल्म में उन्होंने असली हिप हॉप, एक ही रास्ता, दूरी, अपना टाइम आएगा और मेरे गाने पे गाना डिवाइन के साथ गाया है। इस फिल्म का गाना अपना टाइम आएगा जो कि इस फिल्म के क्लाइमेक्स में आता है, उसमें डिवाइन ने भी कैमियो किया है। इस फिल्म में बैटल सीन में दिखाए गए रैपर्स रियल में रैप आर्टिस्ट हैं, ना कि कोई एक्टर्स है। इस फिल्म में रणबीर कपूर को सेकेंड लीड रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने ये रोल करने से मना कर दिया। बाद में सिद्धांत चतुर्वेदी को इस रोल के लिए अप्रोच किया गया। ये फिल्म देखने के बाद हॉलीवुड सुपरस्टार विल स्मिथ ने रणबीर सिंह की तारीफ करते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस फिल्म को पहले 9 फरवरी 2019 में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में रिलीज किया गया था, जबकि इंडिया में 14 फरवरी 2019 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का बजट था 84 करोड़ और इसने बॉक्स ऑफिस पे 238 करोड़ का कलेक्शन किया था। इस फिल्म का IMDb रेटिंग है 7.9। इस फिल्म को फिल्म फेयर में 13 अवार्ड्स मिले थे। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो भपकूंगी ना उसको। बहुत बड़ी गुंडी है तू। उड़ना सॉरी, फिर से नहीं होगा ऐसा। कहा मेरी कसम, मर जाएगा तू। किसी का हाथ नहीं था सर पर, यहाँ पर आया खुद की मेहनत से मैं। जितनी ताकत किस्मत में नहीं उतनी रहमत में है। फिर भी लड़का सहमत नहीं है क्योंकि हैरत नहीं है। जरूरत यहाँ मर्ज़ी की और जरूरत की है ताकत की है आफत की हिमाकत।